जय जिनेन्द्र, सभी को मेरा प्यार भरा सादर प्रणाम। आज हम राधनपुर तीर्थ के अंदर आए हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय के अंदर राधनपुर के अंदर 250 जैन मंदिर थे, और वो भी कांच के मंदिर थे। तो आज मैं आपको राधनपुर जैन तीर्थ के अंदर दर्शन करवाने लाया हूँ। और वहाँ के कहते हैं ना, कल्याण पार्श्वनाथ दादा यहाँ विराजमान है, यानी सबका कल्याण ही हो, कल्याण ही हो। ये राधनपुर के अंदर देसीवास के पास में आए हुए हैं। तो मैं आज आप सबको कल्याण पार्श्वनाथ दादा के दर्शन करवाने जा रहा हूँ। अलौकिक प्रतिमा है दादा की, और पूरा मंदिर में आपको दिखाऊंगा, मैं मंदिर के अंदर ही हूँ। तो चलो आज मैं और आप सब मिलके दादा के दर्शन करने जाए। कल्याण पार्श्वनाथ दादा, सबका कल्याण हो, ऐसे पार्श्वनाथ दादा का दर्शन करने। पार्श्वनाथ दादा का जिनालय है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है और अद्भुत है ये पूरा जिनालय है। और ये पूरा कांच का बना हुआ है, आप देख सकते हैं, देखो पूरा कांच का बना हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये परमात्मा का पूरा ये सिंहासन, ये पूरा है देखने जैसा है। चौरी परमात्मा का, विहार का, ये सब है देखने जैसा, अद्भुत नज़ारा है। अद्भुत नज़ारा है ये, देखो। पूरा ये आप मंदिर देख सकते हैं कितना अद्भुत है, और ऐसे मंदिर अभी देखने को भी नहीं मिलते हैं। ये गुजरात में, राजस्थान में, वहाँ सब जगह ऐसे मंदिर देखने को मिलते हैं। ये देखो पीरी डिजाइन, कितना पुराना मंदिर है, मेरे ख्याल से काफ़ी साल पुराना मंदिर है ये, आप देख सकते हैं कितना अद्भुत है मंदिर। ये देखो केसरी जी, 14 सपना, कलश, ये सब देख सकते हैं। मैंने शूटिंग लिया, वो भी आप देख सकते हैं। ये देखो सामने कांच है, वहाँ से मैं अपने मोबाइल से अंदर से शूटिंग ले रहा हूँ। आज मेरी टीम नहीं आई है, मैं अकेला ही आया था, क्योंकि थोड़ा प्रोग्राम था। तो इसके लिए बोला कि चलो प्रोग्राम में तो आज रात की भक्ति है, तो दिन में फ्री बैठे हैं, तो चलो शूटिंग लेते हैं। तो मैं क्या शूटिंग करना रहता तो तब टीम लेके आता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कितने झूमर है। देखो ऐसे झूमर तो राजाओं के ज़माने में थे, अभी तो आज के ज़माने में देखने को भी नहीं मिले। देख सकते हैं पूरा महल था, देख सकते हैं ये मंदिर। और आओ आज हम कल्याण पार्श्वनाथ दादा के दर्शन करें। बेटा खुद से खोलने दिख रहा, हमारे पुजारी जी का लड़का है। प्रभु राख जे उगाड़ा द्वार, तारा बारकड़ा ने काजे पाजरा। हाँ, ये देखो कल्याण पार्श्वनाथ दादा, कितनी अद्भुत प्रतिमा है। वाह भाई वाह, जमीन ने चुम लिया, आसमान ने थाम लिया, मेरे जो लरसते हुए लघु ने जो प्रभु तेरा नाम लिया। इस हकीकत को ना अफसाना बना प्रभु, कि मैंने मेरे नाम से पहले तेरा नाम लिया। नाम है तेरा तारा नारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। आप देख सकते हैं ये पूरा, देखो ये पास अंदर भी कांच का ही बना हुआ है। ये देखो पूरा अंदर है, ये मूल नायक दादा पार्श्वनाथ दादा है। और ये देखो अंदर भी, देखो आप पूरा कांच का ही बना हुआ है, देख सकते हैं आप। देखो पूरा कांच का, ये देखो यहाँ पे राजाओं का शासन था। ये देखिए कितनी अद्भुत प्रतिमा है दादा की, अलौकिक प्रतिमा है। ये पूरा मंदिर कांच का है। बेटा आप बाजू में क्या है भगवान जी? हाँ हाँ, आदिश्वर दादा। और जहाँ भी देखो तो दादा के मंदिर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, पार्श्वनाथ दादा के। थोड़ा नज़दीक जाता हूँ। हाँ,
क्या मूर्ति है, दादा की मूर्ति देख के यही बोलता हूँ, तेरी मूर्ति में वो जादू है मैं रोक नहीं पाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरे द्वार चला आता हूँ। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। अब हम आपको और भी आगे अंदर की गवारे के भी मंदिर के दर्शन करवाएंगे, ये देख सकते हैं। हाँ, ये मंदिर के साइड की भाग के, इसमें सब प्रतिमाएं हैं। ये लाइन सर, ये देखो लगातार लाइन सर परमात्मा की ये प्रतिमाएं हैं, आप दर्शन कर सकते हैं, बैठे बैठे दर्शन कीजिए, अद्भुत प्रतिमा है। ये देखो पूरी लाइन सर, ये लाइन लगी है, यहाँ से ये बहन जी खड़े, वहाँ से आने का रास्ता है और यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। देखो ये पूरा, देखो ये राजाओं के जमाने का था, ये जब यहाँ के नवाब राजा थे उस वक्त के टाइम का ये मंदिर है, उससे भी पुराना है। ये देखो ये आप देख रहे हैं ना, ऐसी कोतरनी अपने को देखने को भी नहीं मिलेगी, इतना प्राचीन मंदिर है। और कभी भी आप संखेश्वर आओ तो यहाँ राधनपुर आके ये दादा का मंदिर देख सकते हैं। कभी भी संखेश्वर आओ तो राधनपुर अवश्य आना, ये गांव के अंदर मंदिर है, गांव के अंदर। ये देखो आप, और ऐसे मंदिर दिखने को भी कहाँ मिलते, देखो इतनी गर्मी का टाइम है ना तो भी इतनी ठंडी का एहसास हो रहा है, देख सकते हैं। देखो पूरा मंदिर, हाँ यहाँ पे भी मूल नायक दादा है, आदिश्वर दादा की प्रतिमा देखो कितनी मस्त है। वाह भाई वाह, देखी श्री आदिनाथनी मूर्ति अलबेली, और हृदय में से एक आवाज भी आ जाता है, बोल बोल आदिश्वर दादा काई तरी मर्जी रे, मासूम मुठे बोल, एक बार मुखड़ो दिखाओ दादा, एक बार मुखड़ो दिखाओ। अद्भुत स्तवन है, क्योंकि दादा की प्रतिमा जहाँ जहाँ देखते हैं ना तो अपने को गाने के, और मैं तो संगीतकार हूँ तो मुझे तो और भी गाने का दिल करता है कि नहीं दादा की मूर्ति को देखो और मैं गाता ही रहूँ। दादा की आंखें तो देखो कितनी अद्भुत है। हवा भाई वाह, आंखड़ी मारी प्रभु अरखाए छे ज्या तमारा मुखना दर्शन थाय छे, अद्भुत। ये पूरा मंदिर मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ, और बने तो अब मैं दूसरा बोल दूँ कि ऐसी लक्ष्मी जी की जो फोटो है ना इस तरह की, ये आप जो देख रहे हैं वो पहले के ज़माने में ऐसी फ़ोटो बहुत थी। मेरे ख्याल से बुजुर्ग आपके घर में रहेंगे 60-70 साल के, उनको पता रहेगा कि पहले ऐसी फ़ोटो बहुत आती थी। तो यहाँ पे पूरा कांच का बना हुआ, और ये देखो सामने भी कांच ही है। ये देखो पूरा अद्भुत मंदिर है, मैं आपको धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ। और ये लादी देखो कितनी बढ़िया है, अद्भुत। आज तो धन्य हो गए, जगमगता तारला नु देरासर हो जो, एमा मारा प्रभु जी नी प्रतिमा हो जो। और दूसरी बात बोलो कि बीच में से आप देख सकते हैं, देखो ऊपर खुला है, देखो ये देखा झुमके, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, अद्भुत है ना, आप देख सकते हैं नज़ारा कितना प्यारा है। बाकी सारी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना। ये नीचे तो मंदिर है, उसके अलावा ऊपर भी मंदिर है। ये देखो ये सीढ़ियाँ है, ये देखो ये सीढ़ियाँ आज के ज़माने में दिखने को भी नहीं मिलेगी। ये देखो मैं ऊपर धीरे धीरे सीढ़ियाँ जा रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ, और दादा के ऊपर भी मंदिर है। ऊपर क्या है भगवान से बेटा, सिमंदर स्वामी है। चलो अपन जा रहे हैं, चलो बुलावा आया है दादा ने बुलाया है। ये देखो ये सीढ़ियाँ देखो, ऐसी सीढ़ियाँ आपको देखने को भी नहीं मिलेगी, कितनी ब्यूटीफुल है। सामरा पार्श्वनाथ बिच्छा में टुकड़ा, ये देखो। और रास्ता भी इतना हुआ है ना, आप देखो मेरा शरीर तो थोड़ा मोटा है, इसके लिए मैं थोड़ा दबा दबा के जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देखो ये देखो कितनी छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ से अपने को जाना पड़ता है, ये आप देख सकते हैं। ये देखो ये, हाँ फिर ऊपर जाना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ।
आप देखना, ये देखो और ये देखो नजारा, यहां से मैं चल के आया, देख रहे ये सब सीढ़ियां, और इधर से यू होके फिर ये सीढ़ियां चढ़नी है। क्या बात है, प्राचीन जमाने में हमारे जैनों ने ये मंदिर बनाए, उनको खूब खूब अनुमोदना है, ऐसे मंदिर देखने को भी नहीं मिलते, अपन सब नसीबदार है। ये देखो क्या बात है, दादा के दर्शन हो गए, सिमंदर दादा। यहाँ पर देखी सीढ़िया, यहाँ से आने का रास्ता वो सब हमने देखा, पासुनाथ दादा, ये सिमंदर स्वामी के मंदिर, और अभी अपन ऊपर आए जो कल्याण पासुनाथ दादा है उनकी प्रतिमा है, और ये देखो ऊपर धूप है, इतना नज़ारा भी देखो कितना बढ़िया है, ऐसे मंदिर देखने को भी नहीं मिलते हैं, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया नज़ारा है, वाह भाई वाह, पावन हो गए, धन्य हो गए हम तो। ये देखो दादा की ध्वजा, नीचे का तो आपने देखा नज़ारा, कांच का मंदिर, उसके अलावा ये ऊपर भी देखो दादा की ध्वजा, और देखो क्या बात है, पासुनाथ दादा विराजमान है, वाह भाई वाह, क्या अद्भुत प्रतिमा है, वाह भाई वाह। काशी रे नगरी रे बारे मोटो मेरो लाग्यो रे, ढूंढी रे धकावी बैठो जोगीड़ो, मारा पासुनाथ दादारो तो महिमा अनंत है। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, मारा वाला पासुनाथ दादा। देखो कितनी अद्भुत प्रतिमा है, क्या बात है, वाह भाई वाह। ये प्रतिमा को देखते तो नाकोड़ा पासुनाथ दादा की याद आ जाती है, कितने अद्भुत है, कितने अद्भुत है। देखो ओ आँख माड़ी उघड़े ते पासुनाथ देखो, मंदिरिया में बैठा मारा पारसनाथ नाथ देखो, थोड़ा नजीक में जूम जाके आपको दादा के दर्शन करवाता हूँ। एक्चुअली क्या मेरे पूजा के वस्त्र नहीं है, इसके लिए मैं अंदर तो नहीं जा सकता, मगर आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए क्या बात है, वाह भाई वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। दादा तेरे को, दादा आपको मैं देखता हूँ, आपकी प्रतिमा को देखता हूँ तो हृदय से बोलता हूँ, मेरे घर के आगे दादा तेरा मंदिर बन जाए। और ऊपर का नज़ारा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक कच मिनट, ये देखो पहले के राजाओं के जमाने में इस तरह के होते थे, ये राधनपुर नगरी, ये देखो, ये देखो, ये पूरा राधनपुर नगरी है, और उस जमाने में नवाबों का शासन था ये इसके यहाँ पे, तो उस तरह के मंदिर बने हुए हैं, ये देख सकते हैं, ये देखो ये बाहर का नज़ारा, ये देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो ये पूरा मंदिर देख सकते हैं, अद्भुत है। नीचे मंदिर है, नीचे तो कल्याण पासुनाथ दादा है, ऊपर भी पासुनाथ दादा है, वाह भाई वाह, कल्याण ही कल्याण, सब जगह देखो पासुनाथ, पारसनाथ, 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 हे दादा तेरे चरणों की थोड़ी जो कण मिल जाए तो मेरा तकदीर संवर जाए। पासवे जी नंदा वामा जी के नंदा, पासवे जी नंदा वामा जी के नंदा, तुम परिवार जाओ बोल बोल रे, दादा दरवाजा तेरा खोल खोल रे, प्रभु दरवाजा तेरा खोल खोल रे। मेरे पूजा के वस्त्र हैं, इसके लिए मैं अंदर आया हूँ। आपने और हमने सबने कल्याण पासुनाथ दादा के दर्शन किए, इतनी अद्भुत दादा की प्रतिमा है भागसारी कि दो घड़ी आप दादा के दर्शन करोगे तो भी आप पावन हो जाओगे, और इतनी अद्भुत अलौकिक प्रतिमा जी, आपने वहाँ दर्शन किए तो आपने देखा कि पूरा जिनालय कांच का बना हुआ है, अद्भुत बना हुआ है अद्भुत, और ऐसा जिनालय तो हमें देखने को भी नहीं मिले, इतनी अद्भुत दादा की प्रतिमा थी, इतनी अद्भुत भागसारी। और उसके अलावा ऋषभ देव आदिनाथ दादा के भी आपको मैंने दर्शन करवाए, और उसके अलावा ऊपर भी पासुनाथ दादा का मंदिर था, वहाँ भी आपने दर्शन किया। कहा जाता है 156 पहले, इस साल पहले वहाँ पे नवाब का शासन था, रब नवाब राजा थे वहाँ के, तो वो हिसाब से वो मंदिर बनाया हुआ है, और इतना अद्भुत मंदिर है ना कि मैं भी पावन हो गया, इतने अद्भुत दादा के दर्शन करने को मिले कल्याण पासुनाथ दादा के। और भागसारी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैन ग्रुप और जैन परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भागसारी, और जीन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी मैंने ज़्यादा बोला हो तो त्रिवेणी त्रिवेणी मिच्छामि तुकड़म, मिच्छामि तुकड़म, बोलो पासुनाथ भगवान की जय।